इस वीडियो में हम समझेंगे कि UDHD JEE का जो मेरिट लिस्ट है उसके रिलेटेड बहुत सारे डॉट अभी घूम रहे हैं, तो सबको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपका लिस्ट इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है, आपका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आया है, और इसका जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है सबका। मैं अदर स्टेट वाले का भी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार वाले का भी सबका मैं एक एक करके बताऊँगा आप लोगों को। और ये भी बताऊँगा कि अगर आपका नाम अपने लिस्ट में अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं तो आसानी से कैसे ढूंढेंगे। तो ये सब चीज़ आप जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इस सब कुछ को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे आप आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट नहीं किए हैं तो ये कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं तो आप लोग को ही बेनिफिट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर कोई भी छोटा मोटा या PDF का लिंक आता है तो वहां पोस्ट कर देता हूं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो UDHD का जो लिस्ट जारी किया, इतना पेचीदा लिस्ट जारी किया है कि कोई भी अगर अपना उसमें ढूंढेगा तो दिमाग का दही हो जाएगा। आप लोग भी अगर ढूंढे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि उसमें जो अपना नाम ढूंढने के लिए कितना दिमाग का दही करना पड़ गया होगा। तो मैं वही आप लोग का हेल्प करने के लिए अभी तक जो भी नहीं देखे हैं या अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में बताया गया प्रोसेस को फॉलो करके आप एक सेकेंड में अपना देख पाओगे। उसमें कोई भी आपको परेशानी या दिमाग का दही नहीं करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसमें UDHD JEE सिविल का 40% और 60%। 40% में वो आएंगे जो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा पास किए हैं। उसके बाद जो भी आएंगे वो 60% में आएंगे, वो अदर में आ जाएंगे। और जो बिहार गवर्नमेंट जो लिखा है वो 40% जो बिहार गवर्नमेंट से पास किए हैं वो 40% में आएंगे। तो ये सबके कैटेगरी का मैं जो कट ऑफ गया है इसका, उसका एक डाटा तैयार करके अपने बहुत मेहनत से तैयार किया हूँ। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और इतना खराब जो ये कट ऑफ दिया है, इतना गड़बड़ी किया है रिजल्ट कट ऑफ में कि क्या बता। इसे अच्छा हमको दे देता तो हम अच्छे से बना देते UDHD का कट ऑफ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा अगर मैं आप लोग को अच्छे से बताता हूँ। ये उसका डाटा शीट मैं तैयार किया हूँ, लेकिन इसका सब कुछ का कंक्लूजन में एक जगह मैं इसका जो आप लोग देख सकते हो ये फॉर्मेट में सबका कंक्लूजन एक जगह फॉर्मेट में बनाया हूँ, तो इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का है जो 40% में आएंगे, जो गवर्नमेंट और बिहार लिखा हुआ है जो लिस्ट में, तो ये उसके लिए है। इसमें जो कट ऑफ गया है जो जिसको मैं इसमें जो जो भी आप लोग को बताऊंगा वो रिकमेंड फॉर काउंसलिंग, जिसको काउंसलिंग के लिए बोला रिकमेंडेड किया गया है तो उसी का इसमें मैं बताया हूँ। जिसको नहीं किया गया है वो इसी के आसपास में होगा, और इसे आप आसानी से ढूंढ भी पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक नंबर में जनरल का है, जनरल के मेल का जो है उसका कट ऑफ गया है 81.90। और इसका जो आपको देखने को मिलेगा वो लिस्ट में 147 से 156 पेज नंबर में देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिए और अपने कैटेगरी का भी देख लीजिए और कॉपी पेन पे नोट करके रख लीजिए कि मेरा जो कैटेगरी का लिस्ट है वो इतना पेज नंबर में है, तो वहाँ पे आपको ढूंढने में आसानी होगा। उसके बाद जनरल का जो फीमेल का गया है उसका कट ऑफ गया है 75.46। तो इसका कट ऑफ का मतलब ये कि इससे ऊपर का जितका जिसका होगा उसको नाम होगा लिस्ट में, इससे नीचे जिसका होगा उसका लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो अब सवाल खड़ा होता है कि बहुत का कट ऑफ जितना अभी जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, इससे बहुत का ज्यादा भी है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये विभाग वाला का गड़बड़ी है। इसीलिए मैं बोला कि अगर हमको रिजल्ट बनाने के लिए दे देता कट ऑफ तो हम इससे अच्छा बना देते। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। और मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, EWS का जो फीमेल में है, मेल में है, वो 78.76 है, और इसका पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 36 से लेकर के 43 नंबर में। जनरल का फीमेल का आपको 75.46 है और इसको 132 से 135 पेज नंबर में देखने को मिलेगा। EWS के फीमेल कैंडिडेट जो है उसको उसका कट ऑफ जो है वो 66.93 और इसका 32 नंबर पेज में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह SC के जो मेल कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ गया है वो 77.16 गया है और इसका जो पेज नंबर है PDF लिस्ट में वो 1 से 2 पेज में है। उसके बाद SC का जो फीमेल कैटेगरी है उसका 60.40 है और इसका पेज नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगा। ST कैटेगरी का मेल कैंडिडेट को कट ऑफ जो है वो 80.48 गया है और इसका पेज नंबर आपको 197 में देखने को मिलेगा। EBC का मेल कैंडिडेट का 79.15 गया है और इसका 116 से लेकर के 118 और 119 में भी दिया गया है। उसके बाद EBC का जो फीमेल कैंडिडेट है वो 67.46 और इसका जो पेज नंबर है वो 192 से 193 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। BC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का 79.42 और इसका पेज नंबर है 62 से 64। उसके बाद BC कैंडिडेट के फीमेल कैंडिडेट जो है वो 72.62 गया है इसका कट ऑफ और 73 से 74 पेज में आपको देखने को मिल जाएगा।
फिजिकली हैंडीकैप के लिए कट ऑफ जो गया है वो 70.70 गया है और इसका पेज नंबर 162 से 168 में आपको देखने को मिलेगा। फ्रीडम फाइटर और WBC का आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा 129 पेज नंबर और 22 से 23 पेज नंबर में ये हो गया। अब मैं जो अदर स्टेट के अदर देन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऑफ बिहार, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार से डिप्लोमा पास नहीं किए हैं उसके लिए ये है, तो वो अदर में आ जाते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग को डाटा शीट यहाँ पे दिख गया होगा। इसमें जनरल के मेल कैंडिडेट के लिए 92.27 गया है, तो अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट जो लड़का है उसका इतना परसेंट से अगर कम है तो उसका नाम नहीं होगा, इससे जिसका ज़्यादा होगा उसी का नाम होगा उसमें। तो 169 से 181 पेज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसका जो जनरल का फीमेल कैंडिडेट है उसका 84.31 गया है लेटेस्ट, इससे जिसका कम होगा उसका नहीं है, इससे जिसका ज़्यादा होगा उसका नाम होगा और इसका पेज नंबर 137 से 141 में होगा। उसके बाद EWS के जो कैटेगरी है, EWS के आपको फीमेल कैटेगरी में आपको मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 84.90 गया है और इसके लिए जो आपको पेज नंबर देखने को मिलेगा वो पेज नंबर आपको 46 से 51 में मिलेगा और EWS के फीमेल कैंडिडेट के लिए 33 से 34 पेज नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद SC का आता है, तो SC का जो मेल कैटेगरी है इसके लिए जो आपको कट ऑफ गया है वो 85.30 से लेकर के गया है और इसका जो पेज नंबर है वो 3 से 6 पेज में आपको देखने को मिलेगा। SC का जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 68.53 कट ऑफ गया है और 8 से 9 पेज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ST का जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 198 पेज में देखने को मिलेगा। ST का जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 199 पेज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद EBC की बात कर लेते हैं, तो EBC में वो कैंडिडेट आएंगे जो ये अदर स्टेट के लिए है या कैटेगरी में जितने आते हैं वो बिहार के मूल निवासी ही है, लेकिन अगर जो आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में आएंगे, तो ये कैटेगरी सब बिहार के जो मूल निवासी है उसी के लिए है। तो EBC का जो मेल कैंडिडेट है तो इसका जो गया है कट ऑफ वो 88.01% गया है और इसका जो पेज नंबर है वो 120 से 122 है। EBC का जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए जो कट ऑफ गया है वो 80.10 है और इसका जो पेज नंबर है वो 194 से 196 है। ये आप नोट करके रख लीजिए कॉपी में, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का, बिहार का हैं तो बिहार का, ये अगर नोट करके रख लीजिएगा तो वहाँ पे आपको ढूंढने में आसानी होगी। और जो BC का मेल का है वो आपको 89.42 कट ऑफ गया है और इसका जो पेज नंबर है वो 65 से 72 पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। BC का जो फीमेल कैंडिडेट है वो 82.39 गया है कट ऑफ और 75 से 78 के पेज नंबर के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और फ्रीडम फाइटर के लिए जो कट ऑफ गया है वो 76.38 गया है और इसके लिए जो आपको पेज नंबर है वो 130 में आपको इसका दिया गया है। और WBC कैंडिडेट के लिए 74.80 और 24 से 28 नंबर पेज में आपको ये देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि जो भी कैंडिडेट, ये लिस्ट उसका है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार से पास नहीं किए हैं और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये इसमें ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार से जो पास किए हैं, तो ये इसका लिस्ट हो गया और ये उसका लिस्ट हो गया। अगर इसमें आप लोग को देखे होंगे रिजल्ट, तो जिसका किसी का 100% है तो इसमें कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं था, फिर भी किसी का परसेंट अलग है और पॉइंट अलग है, तो बहुत सारे लूप होल के बनाया गया है इस जो कट ऑफ में, बहुत सारा लूप होल है जिसको कि ये विभाग बहुत ही कम समय में बना करके, जल्दी जल्दी में बना करके कुछ से कुछ रिजल्ट दे दिया है। तो इसके रिगार्डिंग मैं अगला वीडियो आप लोग को बताऊंगा, उसमें जितने भी सारे कट ऑफ में गड़बड़ी है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा कि ये जो कट ऑफ इतना खराब कट ऑफ बनाया है तो इससे अच्छा हम बना देते कट ऑफ, हमको बोल देते, तो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे कि आप लोग को जो ये गड़बड़ी है इसके लिए आप लोग अभी जैसे PhD का है तो इसके खिलाफ आप लोग अपना आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन UDHD तो ऐसा कोई नोटिस भी नहीं दिया है कि हम लोग अपना आपत्ति दर्ज करें, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया अपने अनुसार से काउंसलिंग का भी डेट दे दिया और उसका रफा दफा करके हटाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आप लोग आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए आप लोग क्या करें, जो कि अभी जो गलत लड़का का नाम आया है उसका नहीं आता तो चांस था कि इससे थोड़ा कम परसेंटेज का कट ऑफ बनता और उसमें आप लोग का भी नाम आ सकता था, तो इसी के कारण से इसको रद्द होना जरूरी है। तो आई होप आप इस वीडियो को होंगे, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।